नमस्कार दोस्तों, नीलम गार्डन टिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स के बारे में, कि अगर आप एक ही पेड़ में आप कई कलर बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं। और इसका पूरा प्रोसेस मैं दिखाऊंगी कि मैं कैसे इसमें बनाती हूँ, कैसे इसको तैयार करती हूँ, जो एक ही पेड़ में कई कलर होता है। तो दोस्तों, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि मैं एक कटिंग ली हूँ, और कटिंग लेने के बाद मैं यहाँ पर इस तरह से उसको छाल को हटा रही हूँ। तो अगर आप जितना कलर भी लेना चाहिए उतना आप कटिंग लाएं, और कटिंग लाने के बाद एक प्लांट आप ऐसा रखें, जैसे देखिए कि यहाँ पर मेरा प्लांट है, तो आप इसका टहनी थोड़ा स्टेम, जैसे मेरा स्टेम देखिए कि मोटा है, पेंसिल से ज़्यादा मोटा है, तो इस तरह से बीच से टहनी को आप काट दें। और काटने के बाद आपको जो भी कलम लाए हैं, जितना कलर आपको डालना है, तो आप यहाँ देखते जाइए कि मैं इसको कैसे तैयार करती हूँ। तो आप जितना ज़्यादा कलर डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं, लेकिन 4 से ज़्यादा कलर एक बार नहीं डलाता है। तो दोस्तों, एक टहनी में 4-5 से ज़्यादा नहीं डलाएगा। मैं तो यहाँ 3 कलर डाल रही हूँ, और 3 कलर डालने के बाद यहाँ पर दिखाऊंगी आप लोग को कि आपको कैसे ये पूरा तैयार मैं कर चुकी हूँ। मैं फूल भी खिलाकर दिखाऊंगी। तो दोस्तों, यहाँ जैसे देखिए कि यहाँ मैं इसको कट कर दी हूँ, तो इस तरह से आप बीच में से पूरा कट कर दें। कट करने के बाद आप इसको, आप देखिए कि एक टहनी में ये पूरा प्लांट जो है सो पीला कलर का है, और एक मैं नीचे की ओर छोड़ दी हूँ। और इस तरह से इसको आप बीच में से फाड़ दें, बीच में से नहीं, हल्का किनारे से फाड़े, और 3 कलर 3 तरफ यहाँ पर फाड़ना है। तो इस तरह से आपको पौधा को इस तरह से तीनों चारों तरफ घुमा दीजिए। घुमाने के बाद इसको इस तरह से 1 इंच आप गहरा तक इसको ले जाएं। ले जाने के बाद आपको मैं प्रोसेस दिखा रही हूँ कि मैं कैसे इसको तैयार कर रही हूँ। तो ऐसे हो गया दोस्तों। अब जो भी आप कलम लेंगे तो आप पेंसिल के आकार का ही कलम लेंगे। 1 एलोवेरा चाहिए, जो उसमें से आपको जेल निकालना है और थोड़ा सा इसमें डिप करना होता है। 1 ब्लेड चाहिए जो आपको साफ सुथरी हो, जो जिससे हम काटते हैं। तो इस तरह से करने के बाद आपको एलोवेरा को, आपको जो भी आप पेंसिल के आकार इस तरह से काटे हैं उसको इस तरह से आप लगा दें, चाहे जितना कलर ले सभी कटिंग को इस तरह से लगाना है आपको। अलग आने के बाद आपको इसको क्या करना है कि तीनों, देखिए कि मैं तीनों को यहाँ पर हटा दी हूँ। अलग आने के बाद आप इसको फिर उसमें डालना है। डालना कैसा है उसके बारे में भी मैं पूरा प्रोसेस दिखा रही हूँ कि कैसे डालना है। तो देखिए, यहाँ पर जो भी प्लांट लिए हैं हम, जो भी कटिंग लिए हैं, तो इस तरह से इसको यहाँ डालते हैं। तो आप कटिंग लेना है तो मेच्योर कटिंग लीजिएगा। आप छोटा मोटा कटिंग जैसे तैसे लेंगे तो बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ मैं 3 कटिंग ली हूँ, और तीनों कटिंग को इस तरह से मैं देखिए कि यहाँ पर तैयार कर रही हूँ। और इसमें थोड़ा थोड़ा मैं पत्ती भी छोड़ दी हूँ, क्योंकि पूरा पत्ती काटना कोई ज़रूरी नहीं होता है। मैं इसी तरह से लगाती हूँ। तो तीनों के मैं देखिए कि यहाँ एडजस्ट कर दी हूँ। और इसको एक सेलो टेप चाहिए, और आपको जो भी प्लास्टिक से भी बांध सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल यही मैं महसूस करती हूँ कि ये इसको पूरा तरह से पहले आपको चाप देना है। यहाँ जहाँ आप कटिंग लगाए हैं आप अपना अंगूठा से यहाँ चाप कर कस कर बांधना है, ताकि कस के बांधने से कि एयर इसमें नहीं जाए। तो इस तरह से आप इसको बांध दें। तो दोस्तों, पूरी अच्छी तरह से इसको कवर कर दीजिए, ताकि ऊपर की ओर से करना है, पूरा तरह से आपको कवर करना है। अब कवर करने के बाद आपको इसको फिर क्या करनी है कि एक पन्नी लीजिए, और ऊपर से आप इसको बांध दीजिए, ढक कर बांध दीजिए। तो एक पन्नी ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा बड़ा हो, और इसको नीचे जो आप सेलो टेप लगाएंगे तो इसको मजबूती ज़्यादा होना चाहिए। आप अच्छा से इसे कवर कर दें। और इस तरह से देखिए कि मैं एक पन्नी ली हूँ, और इसमें फिर इसको बांध दूंगी, एयर इसमें नहीं जाना चाहिए, ऐसा बांधना है। तो इसको बांधने के बाद भी मैं इसको सेलो टेप से बांध दूंगी, नहीं अगर होगा तो फिर हटा दूंगी। तो दोस्तों, इस तरह से कवर कर कर आप इसको साइड में रख दे, और इसे 1 महीना तक सिर्फ पानी देनी है। 1 महीना पानी देने के बाद आप ऊपर से नजर आते रहेगा कि आपको पत्ती आया या नहीं आया,
ऊपर से आप देखते रहें, और छायादार जगह में रखें, आप बाहर नहीं रखें, धूप में इसे नहीं रखें। तो दोस्तों फिर एक माह बाद हम मिलते हैं, देखते हैं कि कितना दिन में इसको पत्ती आया है, उसके बाद दिखाएंगे आपको। तो दोस्तों आज जैसे देख रहे हैं कि एक माह तो नहीं हुआ, लेकिन ये डेढ़ माह हो गया है, और डेढ़ माह में इस तरह से पूरा तैयार हो चुका है। तो देखिए यहाँ अभी इसको पन्नी में हटा दी हूँ, और इसका लीव्स देखिए कि न्यू न्यू कितना सुंदर सुंदर आ गया है, और बहुत सुंदर इसकी ग्रोथ भी है। और एक मैं जो छोड़ी थी दोस्तों, उसको भी देखिए कि बड़ा बड़ा इसका पत्ती कितना ज़्यादा हो गया, और इसमें अभी थोड़ा सा एक प्लांट एक कलर जो है जो अभी छोटा छोटा देखिए कि आया हुआ है, पूरा नहीं आया हुआ है। तो इसको क्या होता है दोस्तों कि इसको अब थोड़ा सा भोजन पानी भी देना है, और उसके बाद फिर देखते हैं कि इसका कली फूल कैसे लगता है और कितना दिन में लगता है। अगर ज़्यादा जड़ भी हो जाए तो इसको गमला को ट्रांसफ़र भी मैं कर दूँगी, देखूँगी कैसा है। तो छोटा सा ये पॉट है, लेकिन प्लांट ज़्यादा हो जाता है बड़ा तो इसका बदलना ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए यहाँ इसका बहुत सुंदर से ग्रोथ विकास हो गई है, और इसमें थोड़ा सा भोजन में दूध देकर इसको साइड में फिर रख दूँ। अभी भी धूप में नहीं निकालूँगी, क्योंकि अभी भी इसको मैं धूप में नहीं रखूँगी, इसको साइड में रखूँगी। तो फिर देखते हैं दोस्तों, वाव, तो देखिए दोस्तों कितना सुंदर से तैयार हो गया है, और यहाँ इतना सुंदर फूल आ गया है, कली आ गया है, बिल्कुल सक्सेस है दोस्तों। और तीनों कलर यहाँ पर मेरा पूरा तरह से है, लेकिन एक कलर अभी खिला हुआ नहीं है, और दो कलर खिल चुका है। तो दोस्तों देखिए कितना अच्छा लग रहा है, अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर देते हैं तो आपका बहुत सुंदर यहाँ प्लांट हो जाएगा, और बहुत अच्छा हो जाएगा, और ग्रोथ विकास भी देख रहे हैं कि कितना सुंदर है। बिल्कुल आसान है दोस्तों, बिल्कुल आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, और नीचे की ओर भी ग्रोथ आ गया है, बहुत सुंदर है, और बिल्कुल एक टहनी है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो इसमें थोड़ा सा कुछ खाद दे देंगे, और इसको मिट्टी को बिल्कुल ड्राई रखी हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा गीली करेंगे तो इसमें कीड़ा मकोड़ा का अटैक हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप एक पेड़ में कई कलर बना सकते हैं। ग्राफ्टिंग का पूरा विधि मैं आप लोग को दिखा चुकी हूँ, अगर आप बनाना चाहते हैं तो ज़रूर बनाएं। अब मेरा प्लांट कैसा लगा कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आने पर लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर।